हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और एक स्टूडेंट का ये डिमांड था, जिसके कारण से मैं इस टॉपिक को लेकर के आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस टॉपिक का नाम है स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया, स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया, महिलाओं की स्थिति, भारत में महिलाओं की स्थिति। अब इसके बारे में मैं इसको चार पांच हिस्से में डिवाइड किया हूँ। पहला है वैदिक पीरियड, दूसरा है एज ऑफ धर्म शास्त्राज या धर्म सूत्राज, तीसरा है मेडिवल पीरियड और चौथा है ब्रिटिश पीरियड, पांचवा है इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और अभी वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो अभी 50 मिनट के क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि अधिकांश जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसको मैं कवर कर सकूं। हालांकि इसमें दो तीन लेक्चर बन सकते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो मैं और इसके बारे में डिटेल व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। अभी के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने जो पांच बिंदु निर्धारित किए हैं उस पांच बिंदु पर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि हमारा जो लेक्चर है वो 50 मिनट में समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, महिलाओं की स्थिति भारत में पहले क्या थी, मिडिल एज में या मध्यकालीन भारत में क्या स्थिति रही और उसके बाद में ब्रिटिश पीरियड में क्या रही और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय में क्या स्थिति थी और आज़ाद हिंदुस्तान के विभिन्न सरकारों ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए, अभी वर्तमान क्या स्थिति है, वो कौन कौन सी समस्याओं से गुजर रही हैं, इन सारे बातों के बारे में आज हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो सभ्यता का उदय होता है वो कहाँ से होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसको कि हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसको आप ज़रूर देखिए, चूँकि उसके जो स्क्रिप्ट हैं उसको अभी तक हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिसाइफर या उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो जिसके कारण से बहुत सारे जो सीन्स हैं जिस पर कि उनके द्वारा लिखे गए हैं उसको हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं, जो स्कल्पचर हमें मिले हैं, जो बहुत सारे सील्स मिले हैं मदर गॉडेस के, उससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति में भी महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था। क्योंकि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया था कि मदर गॉडेस के सील्स मिले हैं हमें, डांसिंग गर्ल्स जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है वो भी हमें मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि महिलाओं का स्थान हड़प्पा संस्कृति में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत में बहुत ऊंचा था। इसके बाद में हम आते हैं वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड के बारे में हमने चार वीडियो बनाए हुए हैं और प्लस वैदिक लिटरेचर के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखें। और खास करके सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, उसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड जिसको कि ऋग वैदिक पीरियड कहा जाता है और लेटर वैदिक पीरियड जिसको कि तीन जो वेद अलग अलग हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, इन तीनों वेदों को हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, और इनका जो पीरियड शुरू होता है वो 1000 BC से 600 BC तक, और अर्ली वैदिक पीरियड का जो पीरियड है वो है 1500 BC से, माने ईसा पूर्व से लेके 1000 BC तक। तो
मैंने उसमें विस्तृत रूप से व्याख्या किया हुआ है, आप उसको जरूर देखें और उसमें महिलाओं के स्थिति के बारे में भी बताया है। अब इस लेक्चर के लिए इन शॉर्ट में ये बता देना चाहता हूँ कि अर्ली वैदिक पीरियड में, खास करके ऋग्वैदिक पीरियड में, महिलाओं का स्थान बहुत ही अच्छा था, इट वॉज बेटर, और पुरुषों से बराबर के दर्जे उन्हें प्राप्त थे। वो जैसे कि आपको मालूम है कि वैदिक पीरियड में सभा होती थी, समिति होती थी और एक विद्वत होती थी। बाद में जो विद्वत, वो भी एक प्रकार का असेंबली था, जो सबसे पुराना असेंबली था, वो बाद में धीरे धीरे खत्म हो गया, विलुप्त प्राय हो गया। लेकिन दो जो महत्वपूर्ण जो कमिटी था, इलेक्टेड बॉडी जिसको बोल सकते हैं आप, वो सभा और समिति। सभा जो है वो हाउस ऑफ इल्डर्स कह सकते हैं और समिति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसमें जो हमें वैदिक ऋचाओं से जानकारी मिलती है, उसमें हम पाते हैं कि महिलाओं ने भी बहुत सारे ऋचाओं का, वैदिक ऋचाओं का, ऋग्वेद के ऋचाओं का, सामवेद के ऋचाओं का रचना किया हुआ है। जैसे गार्गी, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी हिस्सा ले सकती थी, मतलब राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। उन्हें सामाजिक स्थान भी बहुत ही ऊंचे दर्जे का प्राप्त था, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो एक प्रकार से यह एक समतामूलक समाज था। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों लेटर वैदिक पीरियड अपने चरम पर पहुंचा, मतलब लास्ट फेज आते आते, महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई। और इसके बाद में जो पीरियड शुरू होता है वो होता है एज ऑफ धर्मसूत्राज या धर्मशास्त्राज। तो जो ये जो पीरियड है वो मनु का भी पीरियड कहते हैं, मनुस्मृति आप जानते होंगे। तो इस पीरियड में आकर के महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक या व्यक्ति समझा जाने लगा और बहुत सारे पाबंदियां महिलाओं पर लगाई गईं। लड़कियों के शिक्षा दीक्षा पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई और वो सभा सोसाइटी में नहीं बैठ सकती थी। तो मनुस्मृति में एक भेदपरक समाज की स्थापना की गई थी, जिसमें कि महिलाओं को, शूद्रों को बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग पोजीशन में ला खड़ा कर दिया था। लेकिन जब महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1500 वर्षों तक, मैंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 1000 एडी तक, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दो धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म हमारे हिंदुस्तान में रहे हैं। और आप जानते हैं कि बुद्धिज्म तो अब हिंदुस्तान में लुप्त प्राय हो गया है, जैनिज्म राजस्थान और कर्नाटक और गुजरात में कहीं कहीं है। लेकिन तो बुद्धिज्म में महिलाओं को समता, मैंने इक्वल स्टेटस दिया गया और उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति दी गई। वो संघ के सदस्य हो सकते थे, वो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बुद्धकालीन भारत में भी लागू था। लेकिन जो हिंदू समाज था, जिसको कि उस जमाने में हम हिंदू समाज नहीं कहेंगे, ब्राह्मणिकल समाज कहेंगे, और इस हमेशा याद रखना चाहिए कि 10वीं शताब्दी के बाद ही, राइज ऑफ तांत्रिसिज्म के बाद ही, जो हमारा एक वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एंशियंट इंडिया टू मेडिवल इंडिया, उसको आप जरूर देखें, उसमें राइज ऑफ तांत्रिसिज्म का मैंने जिक्र किया है। तो जब राइज ऑफ तांत्रिसिज्म हुआ तो उसके बाद से हिंदू शब्द, हिंदुइज्म जो आज का रूप है, वो अपने शेप में आया। और
ये भी वर्ड जो है वो आप जानते हैं कि ये एक पर्शियन वर्ड है, को इंडस से, क्योंकि पर्शिया में, पर्शियन में आई को एच बोला जाता है, तो इसीलिए वो हिंडस हो गया, तो उसी से हिंदू बना। तो उससे दसवीं या नौवीं शताब्दी से पूर्व का जो भी धर्म था वो था ब्राह्मणिकल ऑर्डर। तो उस पीरियड में हम देखते हैं कि खास करके जो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद और जब बहुत सारे राजपूत राजाओं का उदय हुआ तो देश विभिन्न हिस्सों में बट गया और जगह जगह पर राजपूत राजाओं का दबदबा बना। और राजपूतों में, जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना, उन पर पाबंदी लगाना, और एक फैक्टर और हुआ जो मुसलमानों के जो बार बार जो आक्रमण हुए उससे राजपूतों ने अपने महिलाओं को घर के चार दीवारी में ही रखना सुरक्षित समझा, और जिसके कारण से महिलाओं की जो पब्लिक एक्टिविटी थी वो सातवीं आठवीं नौवीं शताब्दी के बाद में धीरे धीरे कम होता गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेडिवल पीरियड में जो बहुत सारी जो विकृतियां हैं वो पैदा हुई। वो विकृतियां क्या थी? पहला कि लड़कियों को छोटे आयु में ही शादी कर देना, मतलब प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब दोस्तों आप जानते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी छोटे उम्र में 8 साल के 7 साल के अवस्था में या प्री पुवर्टी फेज में जिसको बोला जाता है अगर शादी कर दी जाएगी तो ना तो उसका व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा, ना उसके शिक्षा का प्रसार प्रसार हो पाएगा और वो द्वयम दर्जे के नागरिक बन जाएगी। तो यहाँ पर जो विकृतियाँ आई वो ये था कि प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज जिसको बाल विवाह कहते हैं, इसकी शुरुआत मेडिवल पीरियड जिसको कि हम सातवीं आठवीं शताब्दी से मानते हैं, और वो ये प्रचलन शुरू हो गया और इसमें महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती गई। दूसरा था प्रोविजन ऑफ विडो रीमैरिज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर विधवा कोई महिला हो गई है तो उसको पुनः शादी करने का अधिकार हिंदुओं में नहीं था, तो इसके कारण से भी महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर हो गई। आपने देखा होगा अभी भी वृंदावन में हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं और खास करके बंगाल की महिलाएं, वो वहाँ पर हैं और वो एक परित्यक्ता का जीवन व्यतीत कर रही हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, अभी हम बाद में बताएंगे कि किस तरह से ईश्वरचंद विद्यासागर ने इंसिस्ट किया अंग्रेज सरकार को कि आप विडो रीमैरिज एक्ट पास करें, जिससे जो विधवाओं की, विडो के जो स्थिति है जो बदतर होती जा रही है, समाज में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि उसमें ज़्यादा सफलता अंग्रेजों को और हमारे धर्म सुधारकों को नहीं हुआ। आज तक ये हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और यदि आपको नज़ारा देखना हो तो आप वृंदावन जाकर के देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो विधवा महिलाएं हैं वो किस दुरावस्था से गुजर रही हैं। तो जो विधवा जो महिलाएं हैं उनको पुनर्विवाह पर मेडिवल मध्यकाल में रोक लगा दी गई। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सती का जो प्रथा है, आप जानते होंगे सती प्रथा क्या होता था। सती प्रथा मतलब ये हुआ कि जब किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके चिता पर उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था, माने पति पत्नी दोनों को, और इसको बोलते थे सती प्रथा। दोस्तों हमें आर्कियोलॉजिकली, आप नोट कर लीजिए, आर्कियोलॉजिकली इसका एविडेंस कहाँ मिलता है? सबसे पहले जो सती प्रथा का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है वो मिलता है ईरान। ईरान कहाँ है? ईरान मतलब वो ईरान नहीं,
ईरान, ईरान है सागर जिले में, और कुमार गुप्त के पीरियड के समय में, गुप्ता पीरियड में, जो चंद्रगुप्त सेकेंड, उसके बाद में कुमार गुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, तो कुमार गुप्त के पीरियड में ईरान में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल्स रिमेन्स मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं, जो सागर जिला मध्य प्रदेश का है। तो वहाँ पर सबसे पहले हमें सती प्रथा के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, और वहाँ से मध्ययुग आते आते ये प्रथा बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के बहुत ज़्यादा दबाव के कारण अंग्रेज सरकार को इस प्रथा को समाप्त करना पड़ा था, और उस समय जो लॉर्ड गवर्नर जनरल जो थे वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उनके समय में ये सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। लेकिन सती प्रथा की शुरुआत गुप्ता पीरियड के अंतिम चरण में, लेटर फेज ऑफ गुप्ता पीरियड के समय से ही शुरू हो गया था दोस्तों, और ये मध्यकाल में और ब्रिटिश पीरियड में धड़ल्ले से चल रहा था, और खास करके देहातों में और खास करके ब्राह्मणों में, जो ऊंचे वर्ग के जो ब्राह्मण, जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, उसमें, उस कम्युनिटी में ये जो कुप्रथा है वो बहुत जोर शोर से चलता था, और उसको ये ग्लोरीफाई करते थे, माने उसको महिमा मंडन का काम करते थे कि हमारे घर में फला महिला ने सतीत्व प्राप्त किया, मतलब वो अपने पति के चिता पर जल के मर गई, उनको लोग जबरदस्ती उसको चिता पर जला दे बैठा देते थे, रस्सी से बांध देते थे, आग लगा देते थे, और वो चिल्लाती थी तो वहाँ पर ड्रम माने ढोल बजाते थे ताकि उसकी चिल्लाहट की आवाज़ ढोल की आवाज़ से दब जाए। तो ये बहुत ही घृणित प्रथा था जिसको कि 1829 ईस्वी में समाप्त किया गया। और इसके बाद पर्दा सिस्टम, एक इम्पॉर्टेंट जो कुप्रथा हमारे भारतीय समाज में घुसा वो था पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम के बारे में आप दोस्तों जानते ही हैं, जहाँ पर कि महिलाएं अपना चेहरा, जिसको कि घूंघट बोलते हैं, घूंघट में छुपा दी ताकि उनका चेहरा कोई देख नहीं पाए, और मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती थी, अभी भी पहन रही हैं। तो ये पर्दा सिस्टम का ईजाद कहाँ से हुआ? ये पर्दा सिस्टम का ईजाद मुसलमानों के बार बार आक्रमण करने से हिंदुस्तान का समाज भयभीत हो गया, और उन्होंने बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए पर्दा माने उनको घरों में ही कैद कर लिया, ताकि और उन पर पर्दा डाल दिया गया कि तुम चेहरा नहीं दिखा सकते हो, तो जिसके कारण से उनका जो सामाजिक जीवन था वो छिन्न भिन्न हो गया, वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती थी, और हमारे देश का बहुत बड़ा त्रासदी था कि 1000 ईस्वी के बाद से लगातार 1947 तक हम परतंत्र रहे, तो उसके कारण से भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, और मुसलमानों में ये पर्दा सिस्टम था तो उसका नकल हिंदुओं ने किया, और हिंदुओं का जो लीडर था वो था राजपूत 800 वर्षों तक, तो अंग्रेजों के आगमन से पहले तक, तो राजपूतों ने अपने महिलाओं को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, उन पर पर्दा डाल दिया गया। ये पर्दा सिस्टम हिंदुस्तानी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ, और जिसके कारण से उनके व्यक्तित्व विकास में रुकावट उत्पन्न हुआ, वो समाज के द्वयम दर्जे के नागरिक बन गईं, और उनमें शिक्षा प्रसार बहुत दूर बहुत कम हो गया। कुछ खास जो नोबिलिटी, जो कुलीन वंश के लोग होते थे, वो अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम करते थे, और बाकी जो अधिकांश समाज के जो अधिकांश हिस्से थे वो महिलाओं के पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे देश का, क्योंकि आपको नेपोलियन का डायलॉग मालूम होगा, कोटेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शिक्षित अगर माँ होती हैं तो उसके दो फायदे होते हैं, एक तो वो अपने पति का, पति के कंधे से कंधे मिला के चल सकती है, समाज को कंट्रीब्यूट कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला को
शिक्षित किया जाता है तो उसके बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ते हैं। क्या इफेक्ट हैं? कि वो खुद तो समाज को कंट्रीब्यूट तो करती ही है, साथ साथ जो उनके बच्चे होते हैं उनको भी वो सुसंस्कृत करने का काम करती है। और इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है वो व्यापक पैमाने पर होता है। तो आप देखेंगे कि ये कथन कितना सत्य है कि हिंदुस्तान में महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण से, आपने देखा होगा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जो शिक्षा का दर था, साक्षरता का दर था, वो 20% से भी कम था। पूरा हिंदुस्तान अशिक्षित था। कुछ खास कम्युनिटी के लोग जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, खास करके ब्राह्मण कायस्थ, कुछ क्षत्रिय या राजपूत, इनके अलावा अधिकांश लोग हिंदुस्तान में अशिक्षित थे। तो इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि हम जो नए नए जो डिस्कवरी हुए विश्व में, उससे हम अनभिज्ञ हो गए। हमने कोई इनोवेशन नहीं किया, कोई आविष्कार नहीं किया, और हमारा समाज पतन की ओर अग्रसर होता गया, और जिसके कारण से हम गुलाम हुए। खैर, वो तो एक अलग मुद्दा है। तो अब चलते हैं कि मुस्लिम, एक और जो घृणित प्रथा दक्षिण भारत में विकसित हुआ वो था देवदासी सिस्टम। तो अब जो मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने के बाद हिंदुस्तान में पर्दा सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो गया, और जिसके कारण से महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा बदतर हो गई, वो सामाजिक व्यवस्थाओं में या क्रियाकलापों में भाग नहीं ले सकती थी। देश गुलाम हो चुका था, इसीलिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आर्थिक स्थिति से भी वो कमज़ोर हो गई थी। लेकिन एक पॉइंट था जिस पर कि सभी धर्मशास्त्रों ने और धर्मसूत्राओं का एक मत था, और वो था स्त्री धन। जो वैदिक पीरियड में आपने देखा था कि महिलाओं को शादी के समय में स्त्री धन दिए जाते थे, जिस पर कि उनका एकाधिकार होता था। स्त्री धन सोना, चांदी, कपड़े, गहने, रुपये, एक कुछ भी हो सकता था। तो स्त्री धन को छोड़कर के बाकी मामलों में उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। हालांकि जो मुसलमान जो महिलाएं थीं उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं थी। हालांकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था तो मोहम्मद साहब ने बहुत सारे नियम बनाए थे, जिसमें कि महिलाओं की स्थिति के बारे में, उनको उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में साफ साफ उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत किया था, और जिसमें महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थिति इस्लाम में देने का प्रयास किया था। और जब इस्लाम का उदय हुआ था तो उस समय में वो सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक धर्म था। लेकिन बाद के वर्षों में धर्म के ठेकेदारों ने, खास करके काजी, मुल्ला, मौलवियों ने उसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया। जैसा कि मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से जिहाद शब्द को उन्होंने दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ही बदल दिया। उसी तरह से जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि चार मुसलमान पुरुष चार शादी कर सकते हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। नियम क्या था कि अगर मान लीजिए कि कोई महिला बैरन है, मतलब उसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं है, या वो कुछ किसी कंजेनिटल डिजीज से सफ़र कर रही है, या बहुत ज़्यादा झगड़ालू है और अपने पति के साथ में, शौहर के साथ में सही ढंग से रहने में असमर्थ है,
तो उस स्थिति में मुसलमान पुरुषों को 4 शादी करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उसका गलत व्याख्या मुल्ला मौलवी और काजियों ने किया और इस कारण से बहुत सारे जो मुस्लिम राजा थे या मुसलमान नोबल्स थे उन्होंने 4 के बदले में 50, 100, 200, 400 महिलाओं के साथ में शादी किया। और आपको मालूम है कि मुगल पीरियड में ये तादाद 16,000 तक पहुंच गई थी। तो हैरम की व्यवस्था किया विभिन्न मुसलमान शासकों ने, जहां पर कि महिलाओं का स्थान बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तरीय हो गया था। और इसी का देखा देखी राजपूत राजाओं ने भी बहुत सारी शादी करने का प्रचलन उनमें शुरू हो गया। तो मुसलमानों के हिंदुस्तान में आने के बाद में, हिंदुस्तान के पर अपना कब्जा जमाने के बाद में महिलाओं की स्थिति और बिगड़ गई। लेकिन जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो भक्ति आंदोलन के समय में जो हमारे उस समय के जो समाज सुधारक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया महिलाओं के स्थिति को सुधारने का और उनको कीर्तन में भजन में शामिल होने के लिए छूट प्रदान किया गया। लेकिन जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जो आर्थिक संरचना था, उसमें महिलाओं की भागीदारी निम्न स्तर पर थी। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि महिलाओं की जो स्थिति है वो अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग पैमाने पर है। जैसे कि हिंदुस्तान में भी जो लोअर क्लास की जो सदस्य थे, जो खास करके बैकवर्ड क्लासेस जिसको आप बोलते हैं या लोअर क्लासेस बोलते हैं, तो उनमें महिलाओं की स्थिति इतनी ख़राब नहीं थी जितना कि उच्च वर्ग के महिलाओं की स्थिति थी खराब थी। उच्च वर्ग की महिलाएं घर के चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकती थी, जिसको कि आप फॉरवर्ड क्लास कह सकते हैं, वो कामकाज बाहर जाकर के नहीं कर सकती थी, पढ़ाई लिखाई में उनका योगदान शून्य था और कुछ खास खास महिलाएं ही पढ़ने लिखने का काम करती थी। तो भक्ति काल में भी जो आर्थिक जो उनको आज़ादी मिलना चाहिए वो आज़ादी नहीं मिला। हालांकि जो हमारे धर्म सुधारक और भक्ति मूवमेंट के जो बहुत जो समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, लेकिन वो एक कॉस्मेटिक चेंज था। क्योंकि उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि रामायण में तुलसीदास ने क्या कहा है कि ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब हैं तारण की अधिकारी। इसका अर्थ क्या होता है कि तुलसीदास ने, जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, इतने बड़े भक्त कवि हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त कवि हुआ नहीं, उनका क्या ख्याल था महिलाओं के बारे में? उन्होंने महिलाओं को और पशुओं को बराबर श्रेणी में रख दिया कि ढोल जिसको ढोलक बजाते हैं, ढोल शूद्र माने लोअर क्लास के लोग, जो शूद्र के बारे में हम बता रहे हैं आपको बहुत सारे लेक्चर में बताए, जो 4 वर्ण में से सबसे लोएस्ट वर्ण होता है उसको शूद्र कहते हैं, और शूद्र पशु और नारी, पशु जानवर और नारी माने महिला, ये सब हैं तारण के अधिकारी, माने ये सब, इन सबको पिटाई की जा सकती है, इनको ये पिटाई के हकदार हैं। मतलब अगर ये कोई गलत काम करते हैं या वो समाज के नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं तो उनको पीटा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भक्त कवियों में भी उनका महिलाओं के प्रति क्या रवैया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्त काल, भक्ति पीरियड में भी जो है महिलाओं की स्थिति में कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। और इस तरह से हमारा जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है वो ये है कि महिलाओं को इन्फीरियर मतलब निम्न स्तर का माना जाता था, खास करके मध्यकाल के समय में, और उन्हें पुरुष से निचले दर्जे का
आदमी समझा जाता था, इन्फीरियर टू मेल। और इसके अलावा उनको विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना से गुजरना होता था, उनके प्रतिभाओं को कुंठित कर दिया गया था। और इसके अलावा जो कस्टम ऑफ पॉलीगेमी, मतलब बहु पत्नी की विवाह, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक पुरुष अनेक महिलाओं के साथ शादी कर सकता था, जो मुसलमानों के राजाओं के द्वारा, नोबल्स के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा राजपूत राजाओं के साथ ब्राह्मण राजाओं के द्वारा भी ऐसा ही काम किया गया। तो बाल विवाह, और इसके अलावा जो इसके अलावा सती सिस्टम और विधवा प्रथा, जिसमें कि किसी प्रकार की दोबारा शादी नहीं की जा सकती थी। तो ये सारे जो सामाजिक जो बंधनकारी जो कानून या कस्टम जो लागू कर दिए गए थे समाज के ठेकेदारों के द्वारा या बुद्धिजीवियों के द्वारा, तो वो महिलाओं के स्थिति को बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंचा दिया और उनका कोई वजूद नहीं रहने दिया। हालांकि इसके कुछ कुछ अपवाद हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से महिलाओं को समाप्त कर दिया गया था, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपवाद हैं। और केवल अभिजात वर्ग के जो महिलाएं थीं उनको कुछ कुछ अधिकार प्राप्त थे। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूं कि शाहजहां की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसको स्वतः का जहाज था। इस तरह से महिलाओं पर अनेक प्रकार के जुल्म ढाए जाते थे, लेकिन जो मैंने अभी शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी के बारे में बताया, तो उनके पास में खुद जहाज था और वो वाणिज्य व्यवसाय का खुद काम करती थी। और उन्हें उस जमाने में प्रत्येक वर्ष 30 लाख रुपए का फायदा होता था और उनके जहाज मक्का मदीना तक जाते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो, मेरा कहने का आशय यह है कि केवल और केवल जो अभिजाति वर्ग की कुछ महिलाएं थीं उनको कुछ अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो बहुसंख्यक जो महिलाएं थीं वो सारे अधिकार से वंचित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकाल में भी महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में शुरुआती दौर में, खास करके 1757 से लेकर के 1813 तक, उन्होंने हिंदुस्तान के सामाजिक और धार्मिक जीवन से अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा। मतलब दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स सोशियो एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडियन नेटिव पीपुल। उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तानियों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लेकिन 1813 के बाद, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, आप उसको देखेंगे कि अंग्रेजों ने फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार की नीति लागू किया, और उसके तहत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, माने एकाधिकार थी कि वही केवल हिंदुस्तान में व्यापार कर सकते थे, वो मोनोपोली समाप्त हो गया। अब अंग्रेज जो दूसरे अंग्रेज जो व्यापारी थे, जो ईस्ट इंडिया मेंबर के सदस्य नहीं थे, वो भी हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो गए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ, और वो क्या था कि अंग्रेज सरकार ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को हिंदुस्तान में जाने के लिए, धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें खुला छूट दे दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे, चूंकि आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन में उस समय में औद्योगिक क्रांति जोर शोर से चल रही थी और वो धड़ल्ले से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब मशीनों के द्वारा बनाए गए सामान तैयार कर रहे थे,
उन्हें बहुत बड़े मार्केट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने देखा कि अगर हिंदुस्तान का जो समाज है अगर वो ट्रेडिशनल रहेगा तो उसमें उनके सामान की खपत की गुंजाइश कम है, तो हिंदुस्तान के समाज को मॉडर्नाइज करो या वेस्टर्नाइज करो, पश्चिमीकृत करो, उनको अंग्रेज़ों के रहन सहन तौर तरीके, उनके रिवाज, इनको उसमें उसको शिक्षित करो। और इसके अलावा उन्होंने और क्या काम किया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था अंग्रेज़ों के साम्राज्यवादी हित। वो ये हित था कि वहाँ की जो कैपिटलिस्ट लॉबी थी, जो पूंजीपतियों की जो लॉबी थी, वो चाहती थी कि हिंदुस्तान का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे नियंत्रण में आए, जिससे कि शासन प्रशासन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण सीधा हो और अंग्रेजी माल जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे उसके आवाजाही में किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 1813 से लेकर 1857 के बीच में बहुत सारे जो नेटिव स्टेट थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी के प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको चूक का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें उन्होंने 13 रियासतों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर उनको मिला लिया था और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, फिर 1857 की क्रांति हुई। तो कहने का आशय यह है कि अंग्रेज़ों ने अब हस्तक्षेप की नीति शुरू किया। और इसी पीरियड में आपने देखा होगा कि राम मोहन राय के द्वारा धर्म सुधार के कार्यक्रम किए गए, समाज सुधार के कार्यक्रम किए, उन्होंने महिलाओं के पुरुषों के शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया, वो पिटीशन लिखते थे और बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, तो उनके द्वारा। और उसके बाद बहुत सारे जो हमारे समाज सुधारक हुए, जैसे कि आर समाज के महर्षि दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के एमजी रानाडे महाराष्ट्र में, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया, और उन्होंने भी लोअर क्लास के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को शिक्षित करने का पूरा प्रयास किया। तो इस तरह से बंगाल में रेनेसा माने पुनर्जागरण शुरू हुआ, जिसमें कि हिंदू धर्म के बहुत सारे जो विकृतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। बहुत जो अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट्स जो महत्वपूर्ण जो बातें पश्चिमी दुनिया में, पश्चिमी कंट्री में जो था, उसको आत्मसात करने का प्रयास किया गया। और इसी के तहत में दोस्तों, जैसे सती सिस्टम है, उसको 1829 में, जैसे मैंने अभी बताया, राम मोहन राय के नेतृत्व में इसको अंग्रेज सरकार ने एबोलिश कर दिया 1829 में। और इसी तरह से अंग्रेजों ने ईश्वरचंद विद्यासागर के जबरदस्त लॉबिंग या दबाव के कारण से विडो रीमैरिज एक्ट 1856 उन्होंने कानून पारित किया कि अब कोई महिला अगर वो विडो हो गई है तो वो पुनः शादी कर सकती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में, दोनों पीरियड में हमारे समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, एम जी राणा डे, ज्योतिबा फूले, इन सब के बहुत सारे जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, उनके द्वारा महिलाओं की, अभी मैं केवल महिलाओं पर केंद्रित करूंगा, तो महिलाओं के शिक्षा दीक्षा के लिए स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, और जो लोअर क्लास की, जो बैकवर्ड क्लासेस की जो महिलाएं थीं, उनको भी उनमें भी शिक्षा प्रसार के लिए ज्योतिबा फूले ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। पंडिता रामाबाई ने महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत जोर शोर से, उन्होंने बहुत सारे संस्थाएं खोली। महर्षि डी के कर्वे, जो बाद में भारत रत्न से सम्मानित किए गए, उन्होंने भी जो है वो
महिलाओं के शिक्षा दीक्षा के लिए SNDT कॉलेज फॉर वुमन या वीमेन शुरू किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल खोले गए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और कॉलेज खोले गए। एज ऑफ कंसेंट 1891 पास किया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये पारित अंग्रेजों ने किया था, और इसके बारे में हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें कि महिलाओं की शादी की उम्र वो मिनिमम 12 साल तय किया गया था। तो हालांकि इसका भी विरोध बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्तियों ने किया था, नेताओं ने किया था, कि आप हिंदुस्तान के समाज के जो परंपराएं हैं, जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसमें आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। तो फिर भी अंग्रेजों ने इसमें सुधार किया। तो अंग्रेजों के समय में महिलाओं के शिक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, हालांकि वो बहुत कम पैमाने पर किया गया था, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव या सकारात्मक कदम था। अब हम दोस्तों चलते हैं हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में महिलाओं की तरक्की के लिए क्या क्या काम किए गए। तो जैसा कि आप देखते हैं कि भारत के संविधान में समता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 में, और मूल अधिकार के तहत में आर्टिकल 15 और 16 में, मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि धर्म, जाति, गोत्र, वंश, लिंग, एक वर्ड है लिंग मतलब सेक्स, किसी प्रकार का कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता दी जाएगी, द राइट टू अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में लिखा गया है, और आर्टिकल 15 में राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर या डिसेंट के आधार पर या गोत्र के आधार पर या सेक्स के आधार पर पूरी तरह से मनाई है। लेकिन उसमें ही उन्होंने एक पॉइंट लिख दिया है कि सोशली एंड जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सकती है, और इसके अलावा महिलाओं के बच्चों के विशेष ध्यान में रखते हुए उनकी भलाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इसी के तहत में दोस्तों हमने देखा है कि आज़ाद हिंदुस्तान में महिलाओं को बहुत सारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, और आपने देखा होगा कि जो चुनाव के दौरान और ख़ास करके अभी जो 73वां संशोधन हुआ, जिसमें कि हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नाम का हमने टॉपिक बनाया हुआ है, उसमें पंचायती राज और जो की व्यवस्था है 73वें संशोधन में और 74वें संशोधन में, कॉरपोरेशन जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो अवधारणा की गई है, उसमें हमने बताया था कि 73वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुसूची नंबर 11 जोड़ा गया है, और 74वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया, और इस एक्ट के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब निचले स्तर पर, जिला स्तर पर, जमीनी स्तर पर प्रजातंत्र को विकेंद्रीकरण करने का प्रयास, माने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी क्या की गई दोस्तों, उसमें नियम बना दिया गया कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, जैसे जिला पंचायत है तो उसमें सदस्यों की जितनी संख्या होगी उसमें 1/3 ऑफ द मेंबर विल बी इलेक्टेड फ्रॉम वुमेन, और इसके अलावा SC/ST की महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया। उसी तरह से आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय जो जिला पंचायत की अवधारणा है वो क्या है, त्रिस्तरीय है, माने विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ऊपर में जिला पंचायत। तो आपने देखा होगा कि जो उस वीडियो को आप देखें तो उसमें महिलाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत बनी है उसमें भी उनका जो हिस्सेदारी होगा वो 1/3 होगा, मतलब 1/3 विल बी रिजर्व फॉर वुमेन।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में भी आरक्षण देने का प्रयास किया गया है। विभिन्न सरकार, अभी तो बिहार सरकार ने और बहुत सारे राज्य सरकारों ने 1/3 के बदले में जिला पंचायत में 50% रिजर्वेशन कर दिया है, वो भी हमने उस वीडियो में जिक्र किया है, उसको जरूर आप देखिए। तो इसके अलावा भारत सरकार ने आज़ाद हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बनाया, उसमें तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया, उनको समता का अधिकार दिया, उनको पुरुषों के बराबर का हक दिया, जो आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, 14, 15, 16, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव करने की पूरी तरह से मना ही किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिलाओं के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए राज्य विशेष प्रकार का उपबंध करेगी, वो कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 में, तो किसी प्रकार की भेदभाव से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। और इसी के तहत में भारत सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कानून पास किया, और इसके तहत में दोस्तों जो बहुपत्नी विवाह था, जिसके बारे में अभी हम बता चुके हैं आपको कि एक पुरुष 5-5 शादी कर लेता था, राजा रजवाड़े के 20-20 औरतें होती थी, रानियां होती थी, उस पर पूरी तरह से बंदिश लगा दी गई है, और कोई भी व्यक्ति जो है एक से अधिक पत्नी से शादी, महिलाओं से शादी नहीं कर सकता है। इसके अलावा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पारित किया गया, जिसमें कि महिलाओं को अपने एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज के संपत्ति में भी अधिकार देने का प्रयास किया गया है, कि महिलाओं के भी अपने पूर्वज मतलब एंसेस्टर मतलब पिता के प्रॉपर्टी में या संपत्ति में हिस्सेदार बनाया गया है। तो इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बताया जाता है। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पास किया गया कांग्रेस सरकार द्वारा, और उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज और लव मैरिज इस सब को भी उन्होंने लीगलाइज कर दिया। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि अभी अभी हमने कास्ट सिस्टम के बारे में लेक्चर दिया था, और उसमें मैंने बताया था कि कास्ट क्या होता है। कास्ट में सबसे ज़्यादा जो उसका स्पेसिफिक फीचर है वो क्या है, इंडोगेमस। एक कास्ट के लोग उसी कास्ट में शादी करेंगे, हालांकि कास्ट में भी क्लान बना हुआ है जो कि कॉमन डिसेंट पर आधारित है, और वो क्लान जो होता है वो एग्जोगेमस होता है, मतलब एक क्लान के मेंबर का शादी एक उसी क्लान में नहीं हो सकता है। लेकिन एज फार एज द कास्ट इज कंसर्न, वहां पर क्या किया गया है कि मान लीजिए आपका कास्ट ब्राह्मण है, तो कास्ट का तो छोड़िए, सब कास्ट में भी जो है वो इंडोगेमस बना दिया गया था, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन इस कानून के द्वारा क्या किया गया कि अगर कोई व्यक्ति, अगर एक कोई ब्राह्मण की लड़की कोई राजपूत लड़के से शादी करता है तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। तो ये इंटर कास्ट या लव मैरिज होता है, मान लीजिए कोई लोअर क्लास की लड़का है किसी ब्राह्मण लड़की से शादी किया, दिस इज कॉल्ड इंटर कास्ट मैरिज। तो इसको भी कानूनी अमली जामा पहनाने का काम ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के द्वारा किया गया है, ताकि महिला या पुरुष में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पारित किया गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसके तहत में किसी प्रकार का दहेज लेना देना जुर्म करार दिया गया है, और पुलिस वाले इसका धड़ल्ले से उपयोग करते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3, धारा 3 और 4 का उपयोग किया जाता है, जो दहेज मांगता है या दहेज देता है, दोनों प्रकार के दहेज जो है वो गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। हालांकि इसका प्रभाव समाज में अभी भी बहुत कम है, और दहेज की मांग धड़ल्ले से सामाजिक स्तर पर चल रही है, लेकिन लोगों में जरूर एक भय की भावना है कि जो पहले खुले तौर पर होता था, लड़कों की बोली लगाई जाती थी, खुला पंचायत में बोला जाता था कि मेरे लड़के का जो दहेज होगा वो 3 लाख रुपया होगा, अब वो पूरी तरह से गोपनीय ढंग से होता है, समाज के अधिकांश लोगों से ये बात छुपा ली जाती है कि हमारे लड़के को दहेज मिला है, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि कहीं ये बात अगर खुल गई और पुलिस थाने तक बात पहुंची तो हमारे खिलाफ में मुकदमा
पंजीबद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो उसका इंटेंसिटी है, जो दहेज के मांग करने की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी व्यापक पैमाने पर दहेज की प्रथा खास करके उच्च वर्ग की महिलाओं में, उच्च वर्ग के समाज में विद्यमान है। तो ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया है। इसी तरह से दोस्तों सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, और इसको सीटा एक्ट भी बोलते हैं, ये 1956 में पारित किया गया था, और जिसके तहत में किसी प्रकार का जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वेश्यावृत्ति है, इस पर पूरी तरह से रोक लगाया गया। तो इसी तरह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 पारित किया गया, जिसमें कि पहले जो एबॉर्शन है माने गर्भपात, महिलाओं के सुरक्षा को मध्य रखते हुए गर्भपात करने का अधिकार महिलाओं को दे दिया गया। पहले ये नहीं किया जा सकता था, तो अब इसके तहत में अगर महिला की सुरक्षा, उनके शरीर की हिफाजत को देखते हुए अगर वो गर्भपात कराना चाहती हैं तो करा सकती हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983, इसके तहत में दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जो दहेज हत्या, दहेज के कारण जो मृत्यु होती थी महिलाओं को, जिसमें कि उन्हें जला दिया जाता था और उनको आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया जाता था, तो सरकार ने आईपीसी में माने भारतीय दंड विधान, जिसको कि इंडियन पिनल कोड कहते हैं, उसमें धारा 304B जोड़ा। और ये 304B क्या है, 304B है दहेज हत्या से संबंधित मामला, कि अगर उसमें जो इंग्रेडिएंट है, जो उसके मुख्य जो अवयव हैं वो क्या क्या हैं, कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर, महिला के शादी के 7 साल के अंदर में अगर उसकी मृत्यु आकस्मिक ढंग से या संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, तो पहला पॉइंट है कि मृत्यु होनी चाहिए 7 साल के अंदर, और दूसरा कि उसकी जो मृत्यु होना चाहिए वो संदिग्ध परिस्थिति में होना चाहिए। संदिग्ध परिस्थिति मतलब मान लीजिए मिट्टी तेल करके जला दिया गया हो, या वो खुद जली हो, या पंखा में लटक करके मर गई हो, या उस पर एसिड फेंक दिया गया हो। तो जो अप्राकृतिक जो मृत्यु होता है, जो अननेचुरल डेथ है उसको, या सुसाइड कर लिया हो किसी भी तरीके से, सल्फास खा लिया हो, तो अगर ऐसी स्थिति हुई है तो पुलिस को यह पावर दिया गया है कि वो जांच करेगा, और जांच के बाद में अगर पाया जाएगा कि महिला की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई है तो पुलिस के द्वारा धारा 304B के तहत में मुकदमा कायम किया जाएगा। और इसमें दोस्तों एक बात और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबूत का भार आरोपी पर रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आप यदि धारा 302 अगर मर्डर देखेंगे तो उसमें सबूत का भार किस पर है, प्रोसिक्यूशन पर है, जिसने मुकदमा कायम किया है। लेकिन 304B में क्या है, आरोपी पर है सबूत का भार, कि उसको सिद्ध करना होगा कि हाँ मैं इस महिला के, जो मेरा बहु थी, उसने जो संदिग्ध परिस्थिति में जो उसकी मौत हुई है उसके लिए हम लोग किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं हैं। यह सिद्ध करना पड़ेगा किसको, एक्यूज पार्टी को, और एक्यूज पार्टी कौन होंगे, इन लॉज। तो यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था भारत सरकार का, पार्लियामेंट का, से भारत सरकार ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए उन्होंने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास किया। कि आप जानते होंगे कि महिलाओं के साथ में एक भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी, अगर वो फैक्ट्री में काम कर रही हैं तो पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था, महिलाओं को कम दिया जाता था। इसीलिए भारत सरकार ने 1976 में समान वेतन भत्ते कानून का, जिसको कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कहते हैं, 1976 पास किया। और इसी तरह से फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया गया, जिसमें कि यह आवश्यक कर दिया गया कि जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट है वो महिलाओं के टॉयलेट की व्यवस्था करेगा, काम के घंटे नियत किया जाएगा, रात के 10 बजे के बाद में उससे कोई काम नहीं लिया जाएगा,
14 साल के कम बच्चों को किसी प्रकार से फैक्ट्री में काम में नहीं लगाया जाएगा, तो महिलाओं के हिफाजत और सुरक्षा के वास्ते बहुत सारे काम उनके द्वारा किए गए। तो आपने ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो एक्ट या कानून जो सरकार ने बनाए हैं उसके आज़ाद भारत में, उसके बारे में आपको मैंने बताया। अब चलते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो महिलाओं की जो स्थिति है वो ये है कि यूनिवर्सल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अगर आप देखेंगे पूरे केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया और इवन यूरोपियन कंट्री जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर भी महिलाओं के साथ में अत्याचार होते रहे हैं, उनके साथ में वायलेंस मैंने हिंसा होती रही है। और ये घटना जैसे एसिड फेंकने की घटना, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना, जैसे उनको मारपीट करने की घटना, ये सारे जो विश्वव्यापी जो मामला है वो महिलाओं के साथ, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है, खास करके हमारा देश या साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, ये सारे जो कंट्री हैं उनमें महिलाओं की स्थिति अभी भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो अक्सर हिंसा के शिकार होती हैं। डेवलप्ड कंट्री जो विकसित देश हैं उनमें भी महिलाओं पर अक्सर अत्याचार किए जाते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा समस्या है महिलाओं के साथ में। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो समस्या है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस का हिंदी क्या होगा, घरेलू हिंसा। और ये जो वायलेंस है, जैसे कि अभी मैंने रतलाम की जावरा का घटना बताया, इस तरह के हमारे पास में सैकड़ों दृष्टांत हैं, क्योंकि हमने 100 से ज़्यादा मामलों का इन्वेस्टिगेशन एज ए एडिशनल एसपी किया था, तो मुझे मालूम है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में इसके के जो प्रकार हैं वो क्या है, पति के द्वारा मारपीट किया जाना, पति के जो रिश्तेदार हैं उसके द्वारा मारपीट किया जाना, ये जो घरेलू हिंसा है ये हमारे हिंदुस्तानी समाज का सबसे बड़ा कोड़ है और इसमें महिलाओं को की बेइज्जती की जाती है। तो इसी से निपटने के लिए भारत सरकार ने अभी धारा 498 ए, जो मैंने कहना भूल गया था, धारा 498 ए ताजरात हिंद जोड़ा गया, जिसमें कि क्रुएल्टी एंड हैरेसमेंट टू वुमन का प्रावधान किया गया है कि अगर किसी महिला के साथ में किसी प्रकार की क्रूरता की जाती है या हैरेसमेंट किया जाता है, मतलब परेशान किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है जिसका कि म्याद 5 वर्ष तक हो सकती है। और ये जो क्रुएल्टी है वो केवल शारीरिक नहीं है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ, केवल मारपीट नहीं है। अगर किसी महिला को आपने ये कह दिया कि तुम बहुत कुरूप हो, तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में कोई दाम्पत्य जीवन निर्वाह नहीं कर सकता हूँ, तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ क्रुएल्टी या क्रूरता इसको बोलते हैं। तो जो क्रूरता है उसका व्यापक परिभाषा है, जिसमें कि मानसिक और शारीरिक हिंसा दोनों आता है। हैरेसमेंट के तरीके भी विभिन्न प्रकार के हैं, जो घर के चार दीवारी में महिलाओं को सामना करना होता है। और इसी से निपटने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि घरेलू हिंसा पर भी भारत सरकार ने कानून बनाया हुआ है, जिसमें कि आप अगर परेशान होते हैं, अगर कोई महिला परेशान होती है, तो वो अपने पति या इन लॉज के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसके अलावा अभी हर एक राज्य सरकार ने महिला परामर्श केंद्र की स्थापना प्रत्येक जिले में किया है, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं, और जब दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, कोई परेशानी होती है या मारपीट की घटना होती है, तो सुलह मशविरे के लिए ये प्रत्येक जिले में महिला परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है, पूरे भारतवर्ष में की गई है, तो वहाँ पर उन मामलों को सुलझाए जाते हैं। और दोस्तों, मुझे कहने में बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं मध्य प्रदेश के 13 जिलों में महिला परामर्श केंद्र का अध्यक्ष रहा हूँ। तो
इसमें कम से कम मैंने 10,000 से कम महिला से ज़्यादा महिलाओं के जो कंजुगल लाइफ थे उनको मैंने दुरुस्त करने का काम किया। तो महिलाओं के एक और प्रॉब्लम है, खास करके आदिवासी महिलाओं के साथ में, और उनको बात बात में उन्हें डाइन कह दिया जाता है कि सी इज डूइंग विच क्राफ्ट, और इस आधार पर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जब हम SP अलीराजपुर थे तो मैंने देखा कि 2001 से लेकर के 2012 तक के पीरियड में करीब 34 महिलाओं की हत्या इस आधार पर कर दी गई कि वो डाइन थी, भूत, और उसके कारण से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई गांव में। तो ये एक जो बहुत बड़ा जो अंधविश्वास है आदिवासी समाज में, इसका भी बहुत बड़ा जो सफरर है, जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो कौन है? महिलाएं, चाहे वो आदिवासी महिलाएं हों, चाहे बैकवर्ड क्लास की महिलाएं हों, या उच्च वर्ग के या अभिजाति वर्ग के महिलाएं हों। तो ये जो हमारे देश में जो डोगमा अंधविश्वास का जो कुप्रथा चल रहा है, चाहे वो आदिवासी समाज हो या कोई भी समाज हो, सब जगह अंधविश्वास का, भूत प्रेत का बोलबाला है। तो उससे अल्टीमेटली जो सफ़र करती हैं वो महिलाएं करती हैं, और इसीलिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाने के बाद भी अभी भी महिलाओं का जो जीवन है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट जो समस्या है महिलाओं के लिए वो है इन्फेंटिसाइड। आप जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं के, खास करके लड़कियों को मारने का प्रथा उत्तर भारत के जो बहुत सारे भी राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाओं का पुरुषों के प्रति जो अनुपात है वो बहुत कम है। उसका कम होने का कारण क्या है दोस्तों? इन्फेंटिसाइड, मतलब बच्चों को, लड़कियों को, खास करके लड़कियों को मार देना, जन्म के बाद ही मार देना, दिस इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर सरकार ने रोक लगाने के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, लेकिन वो रुक नहीं पा रही है। एक जो और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, और वो है कि हेल्थ इशू। अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो महिलाओं में कम से कम 40-50% महिलाओं में आप वो एनेमिया की शिकार पाई जाएगी। एनेमिया मतलब खून की कमी। दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है, और खास करके डिलीवरी के बाद में या प्रेगनेंसी के दौरान में एनेमिया से महिलाएं ग्रसित हो जाती हैं, और उसका इफेक्ट जो बच्चा होगा उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ता है, उससे मोर्टिलिटी रेट, जो मृत्यु दर है महिलाओं में, वो भी बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका दो पक्ष है। पहला कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं होना, तो एक हेल्थ इशू है जो सबसे ज़्यादा महिलाएं सफ़र करती है, खास करके एनीमिया से। इसका दो डायमेंशन है। पहला तो हेल्थ सुविधा हमारे देश में बहुत कम है, वो तो आप जानते ही हैं। दूसरा है घर के अंदर, घर के अंदर महिलाओं को पुरुषों के समान में भोजन ना देना, उनको पौष्टिक आहार नहीं देना, ये एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है। अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं रहेंगी तो उनके बच्चे भी स्वस्थ नहीं होंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी त्रासदी है, और ख़ास करके गांव देहातों में ये बहुत ज़बरदस्त भेदभाव है महिलाओं में और पुरुषों में। माने लड़का है तो उसको अच्छा खाना खिलाओ, लड़कियों को उससे कम खाना अच्छा खिलाओ, कुछ भी खिला दो। तो ये जो इससे उनका स्टंटेड ग्रोथ होता है, उनका जो विकास होना चाहिए वो अवरुद्ध होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो सामाजिक समस्या है। इसको सामाजिक अवेकनिंग, मतलब जागरूकता के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, जिसमें कि यह बताया जाए कि लड़की और लड़का दोनों में कोई फर्क नहीं है, और दोनों को समान शिक्षा दीक्षा दिया जाए, समान पोषण आहार दिया जाए। एक ये समस्या है, और इसके अलावा आप देखेंगे रीजनल इम्बैलेंसेस, ऐसा नहीं है जो क्षेत्रीय है असंतुलन से गुजर रहा हमारा देश। खास करके आप देखेंगे कि उत्तर भारत में महिलाओं के शिक्षा दीक्षा में, प्रचार प्रसार में, और यदि आप उसको महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के दोनों को अगर कंपेरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट हैं अभी भी महिलाओं के शिक्षा दीक्षा, उनके पालन पोषण, उनके स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, अंतर है। तो इस जो क्षेत्रीय जो असंतुलन है उसको दूर करना
आवश्यक है। और एक और समस्या जो हम देख रहे हैं वो क्या है, ड्रॉपआउट की संख्या। जो स्कूल में नाम कटाने की ड्रॉपआउट, आप जानते ही होंगे कि लड़कियों में देखा गया है कि लड़कियों की जो स्कूल में जो इनरोलमेंट है वो जो जो क्लास बढ़ता है उनमें कमी आती जाती है, क्योंकि उनको 12-14 खास करके गांव देहातों में आप देखेंगे 12-14-15-16 साल के अवस्था में उनकी शादी कर दी जाती है। एक बार वो हाई स्कूल पास कर गई तो उनको कॉलेज या उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। तो बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती है। जब आप मैट्रिक का एग्जामिनेशन देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि लड़कियां जो है ना लड़के से अव्वल रहती हैं, चाहे वो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड का मामला हो या एमपी बोर्ड का मामला हो। लेकिन धीरे धीरे आपको डिफरेंसेस मालूम पड़ने लगेंगे, और जब आप एमए या उच्च शिक्षा रिसर्च की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि महिला की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और पुरुष का जो भागीदारी है वो व्यापक पैमाने पर बढ़ने लगता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा से वंचित किया जाता है उनके अभिभावकों द्वारा। उन्हें प्रेरित किया जाता है कि भाई तुमको मैंने पढ़ा लिखा दिया, अब तुम जो है ना अपने परिवार को संभालो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो और अपने घर गृहस्थी को देखो, तो उसमें जाकर के महिलाएं उलझ जाती हैं। तो ये भी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि महिलाओं का जो उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए, जो हिंदुस्तान के जीडीपी में उनको बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी करना चाहिए वो नहीं कर पाती। और उसका रीजन क्या है? सामाजिक। तो इस सामाजिक भेदभाव को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताया। अभी 2011 का जनगणना हुआ था और उसमें आपने देखा कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 933। तो ये जो गैप है वो क्यों है? वो गैप इसलिए है कि इन्फेंटिसाइड, मतलब बचपन में बच्चे में लड़कियों को जन्म के बाद ही मार देना, जिसके कारण से जो पॉपुलेशन है, कायदे से पॉपुलेशन तो 50-50% होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, यह प्रति 1000 पुरुष पर 933 महिलाएं हिंदुस्तान में अभी है 2011 के जनगणना के हिसाब से। इस इम्बैलेंस को, इस असंतुलन को हमें दूर करना होगा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, उसके बारे में हम डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। और आज चूंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसीलिए दोस्तों मैंने कहा था कि सिविल सर्विसेज पर मैं अलग से व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा, तो वो आज मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे साइंस के टीचर अभी वेट कर रहे हैं, काफ़ी इन नेटवर्क इशू के होने के कारण बहुत लेट हो गए हम। तो सोमवार को हम फिर सिविल सर्विसेज के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी हमने एक वीडियो सिविल सर्विसेज के बारे में लोड किया है, आप जरूर देखें उसको, वो 35 मिनट का वीडियो है। इसके बाद हम जो सोमवार को बताएंगे उसमें बताएंगे कि सिविल सर्विसेज के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हिंदुस्तान के सिविल सर्विसेज के मूल्यांकन क्या हैं, मतलब उन्होंने क्या खोजा, क्या पाया पिछले 75 साल में, उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या फेल्योर है, क्या अचीवमेंट है। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।